तकरीबन समझ लो 4-5 महीने हुए हैं, तो 5 महीनों के अंदर सब तो वड्डा घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया जिहड़ा हैगा शराब का घोटाला, लिकर पॉलिसी का घोटाला। ऐसा घोटाला तुसी आप हैरान रह जाओगे कि किस किवें किवें इन्होंने 500 करोड़ रुपया ए घोटाले राही आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल तो सिसोदिया साहब ने पैसा इकट्ठा करने का प्रोग्राम बनाया। मैं बैकग्राउंड बता दवा, दिल्ली विच एक्साइज पॉलिसी बनाई गई जिथे बहुत वड्डे पद्धर नाल घपले हुए एक्साइज तो करोड़ों रुपये कमाउन का यतन दिल्ली किया गया। उतों के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंक्वायरी लाई चीफ सैकटरी की, तो चीफ सैकटरी उतों के अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स लिखते हैं कि अब जो पैसा इकट्ठा होया वो पंजाब के इलैक्शन भी वरत्या गया उन्होंने चीफ सैकटरी ने आप किया, तो किन्ने क्वांटम किकबैक्स आए है वो वास्ते CBI की इंक्वायरी उन्हें मार की। CBI ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद CBI ने 17-18 लोगों पर परचा किया। जब मेन अक्यूज्ड मिस्टर ससोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली स्टेट दे है, मैं आप बैकग्राउंड इसलिए दसिया क्योंकि जेड़ी दिल्ली की पॉलिसी है और बिल्कुल सेम ते सेम पंजाब की पॉलिसी है। जिन्हें दिल्ली बनाई पॉलिसी उस बंदे ने उसी टीम ने ससोदिया साहब की अगुवाई विच पंजाब बनाई गई पॉलिसी। जदों इंक्वायरी हुई उन्होंने आप देखा कि हुण फस गए है, उन्होंने वो पॉलिसी आप कैंसल की है दिल्ली ने क्योंकि उन्होंने प्रेशर CBI का हो गया। हुण जिहड़ी पंजाब की पॉलिसी बनाई गई है जो दिल्ली ने बनाई है किवें बनी है, कदों कदों मीटिंगां होईयां, वो सारिया का वेरवा मैं थोनों अज देन लग्या। पहली गल आ पॉलिसी कीता की गया, कीता आ गया कि उन्होंने कोशिश की कि अपने चहेते 2-4 बंदियां नूं लिया जाए, इत्थे सारी ट्रेड उन्हां दे हवाले की जाए। तुसी जानते हो कि जिहड़े एक्साइज है पॉलिसी हुंदी है, एक तो मैनुफैक्चर हुंदे है जिहड़े कंपनियां शराब बनाउंदियां, दूजे उहदे थल्ले आउंदा L1 जिहड़ा होलसेलर हुंदा है, उहदे थल्ले आउंदे रिटेलर, रिटेलर है कि जिन्नियां दुकानां है। इन्हां ने बड़ी चलाकी नाल जिहड़ा रिटेलर सी जिहड़ा L1 सी वो अपने काबू कर ले। उन्हें की किया, उन्होंने पहली गल तुसी जिन्नियां भी पुराने इतिहास देखो पंजाब दा, तुसी देखोगे L1 कितने 100 होंदे सी, 150 होंदे सी, 50 होंदे सी, 70 होंदे सी, 60-70 L1 तां होंदे ही सी पंजाब। मतलब की सी वो L1 सारिया कंपनिया का शराब अपने को रख सकते सी, ते वो रिटेलर उन्हां तों लैंदे सी, रिटेलर जिहड़ा वध रेट दिंदा वो तो पासे हट जांदे सी, कोई डिस्काउंट ज़्यादा दिंदा वो कोल चले जांदे सी। सो हैल्दी कॉम्पीटिशन सी L1 च, उहदे च कोई धक्का नहीं हो सकता सी रिटेलर नाल, कोई ज़्यादा जिवें मोनोपलाइज नहीं कर सकता सी L1 वाला। इन्होंने की किया जो पंजाब की एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, इन्होंने कंडीशन चेंज करके अपने बंदियां नूं L1 देन वास्ते कंडीशन एजियां पातियां। पहली गल तां सारे बाहर कढ़ते जिहड़े पुराने L1 जिहड़े 30-40 साल दे पंजाब विच जो बिजनेस करदे सी सारिआं नूं कढ़ दित्ता। किवें कढ़िया? एक तां कहता कि मैनुफैक्चरर L1 नहीं लै सकदा, दूजा कहता रिटेलर L1 नहीं लै सकदा, फिर कहता जिहदी 30 करोड़ तों वध टर्नओवर होए पिछले 3 साल लगातार घट होगी वह नहीं लै सकता, उहदे उत्ते चाहीदी है। तो वड्डी गल
इन्होंने कहा कि एक L1 एक कंपनी कल्ला एक L1 इशू करूगी एंड वह भी L1 इन्हों के कहने जिन्हों देना वनू दिता जाऊगा। हूँ ये होया कि तुसी जे L1 की मैं लिस्ट कढ़ाई महकमे तो मैं बहुत पता किया किनू कि नहीं दिते गए जेडे बंदे दिल्ली है जेडे मेजर प्लेयर दिल्ली है उन्होंने ही पंजाब दिता गया। तुसी जे लिकर ट्रेड बारे तुसी मैं तुहानू जाना देवां दो कंपनियां हिंदुस्तान च है एक है गई ब्रिंडको नहीं अपनी सॉरी डियाजो जिहदे कोले ते दूजी हैगी परनो रिकॉर्ड परनो हैगी दो कंपनी दो कंपनियां जेड़ियां 80% सारे ब्रांड दे मालक आ दो कंपनियां आई दो कंपनियां 80% ब्रांड सारे दे हुण आ जिहड़े 80% ब्रांड दियां दिल्ली भी जिहड़ा एक एल्बम दित्ता है वह है ब्रिंडको अमन टल बंदा ये तो CBI ने परचा भी दिता है आज एक बार 13-16 दिन लिता है उस बंद उत्ता है उसे परचा दिता CBI ने उ बंदा इतने है वह कला जिन्हें भी डियाजो के ब्रांड लेने हैं पंजाब कले अंबन ढाली देने वाला ब्रिंडको ही है दे सकता होर कितों नहीं मिल सकता उन्होंने जिन्हें जिमें इन्हों के ब्रांड है जिमें जॉनी वॉकर है ब्लैक डॉग है जिन्हें भी इन्हों के ब्रांड है किंगफिशर है सारी एक कंपनी डियाजो दे है। सो पूरे पंजाब की जोड़े जिन्हें भी रिटेलर है दुकाना पंजाब दिया जिन्या भी हैं जे उन्होंने कोई भी आप ब्रांड लेना किंगफिशर लेना जिन्हें उन्होंने ब्रिंडको को जाना पेगा वह दसूगा किस रेट पर मैं देनी है मनोपली एक्सकलूसिव एक बंद करता उवें जोड़ा है बाकी जोड़े ब्रांड है इंडिया वो आते हैं परनो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है सारी इंटरनेशनल हो गया मनोपलाइज हो गई है वह सारे बाकी ब्रांड इन्हों को है उत्थे दिल्ली का बंदा मेहरा फैमिली है दिल्ली की अनंत वाइन्स उन्होंने आ देता। सो दो बंदियां कोले पूरे पंजाब का दो बंदियां कोले मनोपली देती जिहड़ी उह सप्लाई मनोपली तो समझ लो एक बंदे कोले जिहड़ा ब्रांड है उहदे कोले है दूजे ब्रांड एक बंदे कोले है जिन्ने रिटेलर है जिहड़ा पंजाब जो रेट वह कहणगे वह रेट ते इन्हां नूं चकना पैना। हुण जिथे पैसा वापस आउण दी स्कीम बनाई जिन्हें L1 अपने पहले चलते रहे हैं उन्हों का प्रॉफिट मार्जिन गवर्नमेंट ने फिक्स किया 5% पिछले 40 साल का देख लो तीन की सरकार ने की किया आ जी अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया 5% वधा दिता 10% करता आ दो बंदियां वास्ते सारी शराब आ दो बंदे देंगे आ जरा ब्रिंडको वाले तो अनंत माइन उन्हों का प्रॉफिट देखो 5-7 हज़ार करोड़ की सेल होनी है इन्ना प्रॉफिट 5% तो वधा दिता 10% की गल की हुई इन्हों कि जोड़ा 5% वधाया वो सानू बैकडोर वापस कर दो आई काम इन्होंने दिल्ली किया आई काम इन्होंने दिल्ली किया आई काम इन्होंने इतने इन्होंने किया तकरीबन 500 करोड़ रुपया वापस इन्होंने इस साल इन्ह दो कंपनियों तो लेना है आ ब्रिंडको तो अमन टा जो है अनंत वाइन्स वाले दो बंद जिन्हों सारी मनोपली दी हूँ आ किमें कहानी किमें बनी मेरे को तरीका है जगह है जिथे मीटिंगा हुई पहले जो पॉलिसी बननी सी पहले राघव चड्डा मीटिंग करता सी मीटिंग हायट होटल चंडीगढ़ है हायट चंडीगढ़ के 5वें फ्लोर से सुइट है जिथे मीटिंगा होंगे सी सारे बंदियां नाल ते अफसर नाल सारे नाल उहदे बाद जो रफ प्लैन बन गया फिर उहदे बाद मीटिंगा हुई दिल्ली दिल्ली मीटिंग जिहड़ी हुई वह हुई पहली मीटिंग हुई उत्थे 30 मई नूं 4 बजे शाम नूं डिप्टी CM ससोडिया दे घरे मीटिंग कराई गई उस मीटिंग कौन सी डिप्टी CM ससोदिया राघव चड्डा क्योंकि वह पहले सारे प्लैनिंग इतने हाइट च रह के कर रहा सी विजय नायर इन्हों हूँ अजक भजया फिर CBI वो मगर भी है देश छड़ के भज गया
इन्हों का करता धरता आम आदमी पार्टी का कलैक्शन पॉइंट पैसे का कलैक्शन पॉइंट जिहड़ा विजय नायर है वो विजय नायर उहदे बाद पंजाब दे पंजाब विचों कौन सी फाइनैंशियल कमिश्नर टैक्सेशन उत्थे सी एक्साइज कमिश्नर टैक्सेशन उत्थे सी जिहड़े बाकी अफसर इत्थे उत्थे सी फिर इन्होंने वख-वख कंपनिया के बंदे उत्थे नाल मीटिंग सी। अच्छा एक होर देखो किन्नी शहारी करते है जिहड़े बाहरले बंदे कंपनियां बुलाए सी जिन्हां नाल डील उन्हां दे नाम मीटिंग दसे नहीं कौन वो बंदे है। एक दा नाम रखिया सी मैंगो, एक दा नाम रखिया सी क्यूकंबर, वो जो सोचिए दसदा सी हुण मैंगो गल करूगा हुण क्यूकंबर गल करूगा। आ सोचते कि इन्हां नूं पता लगे कि दूजा आ सोचते कि इन्ना सीक्रेट असीं रखांगे कि बंदे पता लगे कौन है। तुसीं ससोड़िया दी अज सारे अफसरां दी कॉल डिटेल कटा लो, लोकेशन कटा लो, 30 तरीक मई 4 बजे आ डिप्टी CM दे ड्राइंग रूम च मीटिंग हो रही है। उहदे बाद सैकेंड फाइनलाइजेशन वास्ते मीटिंग फिर तो हुई 6 जून नूं ससोड़िया दे घरे, आ 6 जून नूं हुई, उत्थे भी अफसर पूरे सी। इन्हां दी कॉल डिटेल कटा लो, इन्हां दी लोकेशन कटा लो, तुसी CCTV कैमरा कटा लो, तुसी होटल दे कैमरा CCTV कटा लो, आ सारा ए तो वध प्रूफ की है। सो 500 करोड़ दा सेम पॉलिसी डिट्टो तुसी पंजाब दी पॉलिसी रख लो ते दिल्ली दी रख लो, सेम बंदियां ने पॉलिसी बनाई, ससोड़िया दे अपनी टीम ने सेम पॉलिसी बनी, इको ही तरीके ना पैसा 500 करोड़ कट्ठन का स्कीम बनाया। उत्थे भी दिल्ली वही बंदे अमन ढल जिहदा FCBI दा केस ही इत्थे है, उवें अनंत माइन आ सारे बंदे है। सो मेरा मतलब है कि एडा वड्डा घपला पंजाब दी सरकार पंजाब सरकार ने कीता है, 500 करोड़ रुपया जिहड़ा इन्होंने इकट्ठा किया है, क्लेयर वायलेशन है, क्लेयर वायलेशन है, ये ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है। इस करके श्रोमणी अकाली दल डिमांड्स कि जिवें दिल्ली CBI इंक्वायरी की गई है, यदि CBI इंक्वायरी की जाए, इनफोर्समेंट डायरेक्टर की इंक्वायरी की जाए, सारे इमीजिएटली सारे अफसर के सारे इन्ह लीडर के नाँ जो लेते हैं सारे फोन लोकेशनस फोन डेटा सारा सील किया जाए, CCTV कैमरे सील किए जान, इमीजिएटली अरेस्ट किए जान, क्योंकि आ बहुत वड्डा घपला पंजाब के लोगों ना होया। तो जेड़े तुसी मानदा CBI इन्हों ब्रिंडको वाले तो दूजे जो हम भजे फिरते हैं देखोगे अगले दिन आप ही दस देंगे कि कितना 5% तो 10% वधाया, किस वास्ते वधाया, दो बंदियां नूं सारा कुछ देता, उन्हां दा प्रॉफिट मार्जिन 10% करता ते मोनोपली करती उन्हां दे, ए तो वड्डा घपला मैं लगदा किते हो नहीं सकदा। सो इमीजिएटली इहदी CBI असीं गवर्नर साहब कोल भी जा रहे हैं, टाइम लै रहे हैं गवर्नर साहब कोल कि दिल्ली च उन्होंने लैफ्टिनेंट गवर्नर आ प्रोसीजर शुरू किया है, गवर्नर साहब नूं बेनती करांगे, नहीं तो असीं CBI ते ED नूं कंप्लेंट अकाली दल तरफों या असीं देखांगे जरूर करांगे। एनी क्वेश्चंस? कमाया नहीं, मेरा मतलब है 500 करोड़ कई करोड़ों रुपये तो आ गए एडवांस आ गए, आ इन्होंने की किया है 5% तुसी सारी पंजाब दी कह दिता सारे पंजाब दे रिटेलर इस बंदे तो लैणगे माल, एक बंदे तो हुण जिन्हें लैना वो तो लैना ही नहीं तो दुकान बंद हो। सो उस करके हुण उन्हें मार्जिन 5 तो 10 करता, 5% कहता किकबैक है। यार किंगपिन उत्थे है दसा जिहड़ा पुलिस उत्थे पॉलिसी बनाई है ससोड़िया साहब ने, जिहड़े जिवें दिल्ली बनाई है उवें डिप्टी CM ने पंजाब दी पॉलिसी बनाई है, नाल राघव चड्ढा ते नाल जिहड़ा उहनां दा मिस्टर नायर है जिहड़ा मेन करता दत्ता उही बंदे उत्थे भी इनवॉल्वड है पॉलिसी। नहीं नहीं आ तां हुण भज्जिया अज नायर तां अजकल भज्जिया।
हयात होटल दी तुसीं मे तो पहले राघव चड्ढा रहिंदा ही उत्थे सी, तुसीं उहदे सीसीटीवी कैमरा तुसीं लोकेशन ही देख लो सारे। यार मैनूं जाना तुहानूं ज़्यादा पता है, उत्थे सारा उहदा करतार था, उत्थे सारे अफसरां दी मीटिंग, आ जिहड़े ठेकेदार मीटिंग सारी उत्थे हुंदी सी। एंड इस मीटिंग च भी राघव चड्ढा सारी प्लैनिंग करके फिर उत्ते गया। सिसोदिया साहब ने सारी पॉलिसी जिवें दिल्ली सिसोदिया ने बनाई है डिप्टी सीएम ने, उवें पंजाब बनाई है। एंड पंजाब दे अफसर दिल्ली जाके उहदे डिप्टी सीएम दे रेजिडेंट जाके बह के पॉलिसी बना के आए। यार मैं दूजा तो कम कर, असी लीगल असी डिस्कस कर रहे हैं कि किवें प्रोसीड करना है। असी पंजाब नूं लुट्टन नहीं देना, मैं तुहानूं अज दसां। पांच महीने होए हाल शुरुआत ही इन्होंने 500 करोड़ की लुट्टन की कर ली, शुरू तो ही करता इन्होंने। मेरे हिसाब ना कैलकुलेशन 500 दा 490 हो सकता है, मैं एग्जैक्ट 500 अराउंड दैट मच फिगर है। अमन डल वहां भी उनको वही दिया एलवन मोनोपोली, एक ही आदमी को वहां, उसके ऊपर सीबीआई का केस रजिस्टर हो गया। अभी जब सुशोदी का नाम आप देखो लिस्ट में, देखो अमन डल का नाम है ब्रेनको कंपनी का, वही आदमी को यहां लाए क्योंकि उससे डील कोई उससे सेटिंग वहां भी है, यहां भी वही आदमी है। पंजाब का कोई बंदा नहीं है एलवन की, मैं तो वही बोल रहा हूं। एक गल दसो, पंजाब सरकार दी एक्साइज दी पॉलिसी पंजाब च बह के होगी, चीफ मिनिस्टर दे एक्साइज मिनिस्टर दे घरे बह के होगी या दफ्तर च बह के होगी? कि मीटिंगां होई हैं दिल्ली, दिल्ली दा पंजाब दा एक्साइज कमिश्नर, पंजाब दा जिहड़ा अपना फाइनेंशियल कमिश्नर टैक्सेशन, दिल्ली जाके उन्होंने घरे तरीक दसती 4 बजे शाम नूं 30 मई नूं पहली मीटिंग हो गई है, 6 जून नूं दूजी हुई है। हरपाल चीमा विच सी, एक मिनट, अर्निंग की है तुसी मोनोपोली करती, अर्निंग तो पता चलूगा जो आऊगी। तुसी इन्होंने उत्थे नहीं छल्ले नहीं छेड़िया, उन्होंने की किया एक्टी पॉलिसी, इन्हां ठेकेदार नूं कहा कि एक्टी तुसी सानूं इनक्रीज दे दिओ, अगले 2 साल कोई ना दिओ इनक्रीज, रिन्यू होगी जां लिख के दे देन, हरपाल चीमा लिख के दे के अगले साल भी सेम ग्रोथ देवांगे, असीं अनाउंस करन सेम ग्रोथ देवांगे। पर वो तो गल रिटेलर दी है, वो तो रिटेलर ने किया है, असली जिहड़ा मेन प्लेयर है एलवन जिहड़े आ जिहड़े ब्रिंडको ते आ जिहड़ा हैगा अनंत वाइन्स वाले, जिन्हां नूं एक एक करके दित्ता उन्हां नूं, ओही दिल्ली ब्रिंडको दिल्ली भी ओही मोनोपोली, इत्थे भी ओही मोनोपोली। नहीं, फर्स्ट टाइम 5% तो वधा के डबल करता 10, दिल्ली इन्होंने की एक दिल्ली शहरी की थी उन्हें 12 किया, 12 तो 6 उतो 6% लेंदे सी, इत्थे ने 5% किक बैक। नो, मैं कहा आ तो दुनिया का सब तो वड्डा स्कैम है माफिया, शराब माफिया सब तो वड्डा, शराब माफिया पंजाब आम आदमी पार्टी है एडा वड्डा, आ सोचते सी किसी नूं पता नहीं लगना। आ जिहड़ियां तुसीं होर दसां आ मीटियां नूं कवर करन वास्ते ही इन्होंने अग्रीमेंट नहीं किया सेंटर दिल्ली सरकार नाल, अडवाइज सो दिल्ली सरकार अडवाइज दे रही है किवें लुटना है, जिवें असीं उत्थे लुट रहे हैं उस करके अफसर बुलाउंदे आ कि आ तरीके नाल लुटन, वो MOU साइन किया इन्होंने। असीं तां कहिंदे आ कि CBI या वो जांच नूं एक्सटेंड पंजाब च करे या पंजाब सेपरेट केस होना ही होना, क्योंकि केस सेपरेट केस करके इमीजिएटली तो असी सारे आज जी डेटा डूटा CBI देवे तो CBI जो है दे शुड इमीजिएटली इनक्वायर इन टू इट। यार आह तो खुला केस है, जे दुरवरतों करती होंगी CBI अपने दिल्ली के केस में सिसोदिया ने पॉलिसी विड्रॉ नहीं करनी सी, तो विड्रॉ क्यों की? जो उन्होंने सोचते सी पॉलिसी सही है फिर विड्रॉ क्यों की? आप ही उन्होंने विड्रॉ की है जो केस हो गया। एक मिनट पहले इस पॉइंट पर किसी ने कोई होर कोई बहुत सारे
मैं पहले गल थोनू एक गल क्लीयर करना चाहना जिहड़े एस आई टी दे समन बारे। पहली गल मैं तो पहली गल हैरान है कि मैनू तो हले समन मिलिया नहीं, तो सोशल मीडिया से तो सारी जगह समन चल रहा है। जिमें उही होया जिमें नहीं 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 मीडिया नू पहली गल है जे बंदा मैं तो बाहरों आया मैं तो हर कोई मैनू तो आया ही नहीं। पहली गल क्वेश्चन है बाहर पब्लिक च क्यों पहले किमें आ गया, कैन दे डू दैट। सैकेंड कोई करता कोई गल नहीं, तो आ कोई सैक्रिलेज केस समन नहीं है। मैं थोनू सारे क्लीयर करदा तीन केस होए उत्थे, एक सैक्रिलेज केस, एक कोटपुरा फायरिंग जिथे किंजड़ होया, एक हैगा जिहड़ा दूजा बरगाड़ी वाला। सैक्रिलेज जिथे बेअदबी का केस सी वह केस चलान हो गया, उहदे ते पंजाब दे चीफ मिनिस्टर ने आप अनाउंस किया ना सानू उहदे ते कितने समन आया एक बार भी ना सानू बुलाया ना असी उत्थे ना साडा ना। पहली गल थोनू आपां की करते मीडिया वाले जदों समन आ जांदे आपां बेअदबी केस लिख दिंदे, बेअदबी केस नहीं है वह तो चलान हो गया। उस पुलिस ने एक बार भी नहीं सानू उहदे समन होया साडा ब्लाइंड, क्योंकि साडा रोल ही किसी का भी रोल। दूजी गल आ हैगा कोटपुरा फायरिंग जिहदा वर्डिक्ट इन्होंने जिहड़ा हैगा पहले भी हाई कोर्ट ने इन्होंने ड्रामा करके किया, तो हाई कोर्ट ने झाड़ पाई सी इन्हों तो क्लीयर किया कि तुसी चीफ मिनिस्टर का। हुण मैं इस केस दसना चाहना जिहड़ा फायरिंग दे ऑर्डर दिते वो एस डी एम ने दिते है, एस डी एम ने रिटन ऑर्डर है। एस डी एम अज तक कह रहा है कि ऑर्डर मैं दिते है, मेरे तक कोई दबाव नहीं सी। सो जिन्हें ऑर्डर किए है वो अपने वर्ड्स है, अज तक किसी ना पहले कोई इंक्वायरी उन्हें अपना स्टैंड डिफरेंट किया ना हुण किया, हुणे समन दिते है कोई गल नहीं, जो आवे देखांगे सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सानू आवे असी आप हो जाएंगे, सानू मैनू कोई डर नहीं, सानू की फर्क पैंदा। मैं वही गल कहना चाहना कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल पंजाब की जनता ने धोखा किया, झूठ बोलिया कि बेअदबी अकाली दल ने कराई है, पूरा जोर ला लिया कांग्रेस ने सारिया इन्वेस्टिगेशन टीम ला के कुछ नहीं साढ़े खिलाफ़ कर सके। उदे बाद आम आदमी पार्टी सरकार आई, उन्होंने भी पूरी इंक्वायरी की, तो फिर आप अखीर चीफ मिनिस्टर ने आ रिपोर्ट रिलीज़ की है, उन्हें आप किया कि आ फाइनल रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कोई जिक्र बादल फैमिली बादल सरकार या काली सरकार का नहीं सी। क्लीयरली इन्हों पंजाब की जनता तो माफ़ी मंगनी चाहिए कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को एड्डा वड्डा धोखा उन्हें पंजाब की जनता झूठ बोल के लोगों की वोटा लाने वाले साढ़े ते झूठा केस किया। ये सारा ड्रामा इन्हों का जान डाइवर्ट करके 5 साल लगे रहे हैं, पॉलिटिक्स खेली है। हाई कोर्ट की जस्टिस साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है, ये तो वध की उन्होंने खिलाफ हो सकता। मैं यदा कहना चाहना ये मुख्यमंत्री भी तो होम मिनिस्टर भी उन्ना ही जिम्मेवार है। एस एस पी की हिम्मत नहीं होंगी कि चीफ मिनि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी लैप्स कर दे। इंस्ट्रक्शनज उदों होम मिनिस्टर के चन्नी तो सी, बनाता दोषी एस एस पी की जिम्मेवारी सी, उन्हूं मनना नहीं चाहिए सी अपने मुख्यमंत्री की गल, क्योंकि आ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मसला सी। पर वो चीफ मिनिस्टर ते होम मिनिस्टर की प्रेशर च आके उन्हें कर लिया, तो हुण पर इस इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर ते होम मिनिस्टर भी जरा चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर पार्ट एंड पार्सल मेरा किंग पिन तो है।